हाँ तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्या करें हम, सबसे पहले देखते हैं कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो मैंने x इक्वल टू 2 इसमें रखा तो क्या आएगा मेरा 4 माइनस 1 1 और ऊपर क्या आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 1 अपॉन 0 हो जाएगा। सो दिस इज माय 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म, दिस इज माय 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म। अच्छा अब क्या करें हम, तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था देखो एक बार और लिख लेते हैं इधर, एफ एक्स की पावर जी एक्स को हम लिख सकते हैं ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 बेस माइनस 1 इंटू जी एक्स, ठीक है। तो अब देखो मैं लिख रहा हूं इधर ई की पावर में, अब देखा एफ एक्स माइनस 1 तो एफ एक्स मेरा ये है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 इंटू जी एक्स, और जी एक्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और मेरा क्या होगा इधर लिमिट आएगा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स 2। अब देखो अब मेरा ये क्या हो गया ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू टूवर्ड्स 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, तो ये फैक्टर कैंसिल हुआ। तो फाइनली एक्स अगर 2 को जा रहा है तो मेरा ये क्या जाएगा 2 प्लस 2 4, तो फाइनल आंसर इज e रेस टू पावर 4। तो सोचो कितना आसान क्वेश्चन है, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, तुम लोग कॉपी करते जाना वीडियो पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0 कॉस एक्स रेज टू पावर ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं कौन सा फॉर्म है। तो मैं अगर एक्स 0 को जाएगा, अगर एक्स 0 को जाएगा तो मेरा बेस कहां जा रहा है 1 को, कॉस 0 इज 1, और कॉट स्क्वायर एक्स कहां जाएगा कॉस 0 कहां जाएगा 1 अपॉन 0 इंफिनिटी को, तो दिस इज 1 रेज टू इंफिनिटी। तो क्या लिखूं मैं देखो ई की पावर में लिमिट एक्स टेंड टू 0, देखो एक काम और कर सकते हो तुम, मतलब हमें सब्जेक्टिव में तो लिखना नहीं कि हम ऐसे लिख रहे हैं, पहले तुम क्या करो ई को रखो ही मत, क्योंकि ई को रखने में दिक्कत होती है स्पेस भी ज्यादा घेरता है। तो पहले क्या करो तुम पावर जो है ना ई की पावर उसको सेपरेटली निकाल लो, फिर बाद में वो जो आए उसको ई की पावर में लिख देना, दिस इज व्हाट आई डू यूज टू डू, ठीक है ना। नहीं तो तुम ई की पावर में लिख के चल सकते हो, डिपेंड करता है अगर बोर्ड एग्जाम है जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आया तो यू हैव टू पुट ई हियर, पर मेरे जब हम अभी जेई के लिए कर रहे हैं तो पहले तुम पावर निकाल लो उसको बाद में फाइनल ई में रख देना, ठीक है। तो मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बेस माइनस 1 तो कॉस एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, जी एक्स इज कॉट स्क्वायर एक्स, तो उसको लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा अब फॉरगेट अबाउट ई की पावर, ई वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है। अब मान लो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता तो क्या करते हम, ये कॉस स्क्वायर एक्स को पहले गायब कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में और एक्स टेंड्स टू 0 पे ये 1 है, तो इसको गायब कर दिया इसकी जगह 1 लिख दिया। अब नीचे आते हैं तो कॉस एक्स अगर 0 है तो ये कितना 0 बाय 0 की फॉर्म है, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर नीचे भी आ रहा होगा, उसी के कारण 0 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में। अब क्या लिखूं मैं साइन स्क्वायर एक्स को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको मैंने लिख दिया, मैं यही चेंज कर रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखूं, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, अब कॉस एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस कॉस एक्स, जिस फैक्टर के कारण इंडिटरमिनेंसी आ रही थी वो कैंसिल आउट होगा विद अ माइनस साइन, बिकॉज इसको मैं माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स लिखता। तो अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रखोगे तो इधर क्या आएगा cos 0 इज 1 तो 1 प्लस 1 इज 2 तो 1 बाय हाफ विद नेगेटिव साइन, तो मेरा इसकी जो आंसर आया दैट इज माइनस हाफ, बट मुझे माइनस हाफ इज नॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इसको e की पावर में लिखना है, तो e की पावर माइनस हाफ इज द आंसर, या फिर ऑप्शन में ऐसे भी लिखो 1 अपॉन रूट ई ऐसे लिख दो, ठीक है समझ में आया। तो पहले तुम e की पावर में मत लिखा करो, हमेशा जो पावर है ना उसको कैलकुलेट कर लो, फिर फाइनल आंसर e की पावर में लिख दो, ठीक है बच्चे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 होल पावर एक्स प्लस 4। चलो पहले देखते हैं कौन सा फॉर्म है। तो अगर एक्स इंफिनिटी को जा रहा है, फॉरगेट अबाउट द पावर, पहले मान लो तुम्हारे पास ये ब्रैकेट अकेला होता तो क्या लिखते हम, एक्स की कोफिशियंट का आंसर इज आंसर, क्योंकि इसको क्या करेंगे हम, या तो इफेक्टिव डिग्री से बोल लो, कि अगर एक्स इंफिनिटी को जा रहा है तो न्यूमरेटर की इफेक्टिव डिग्री 1 है डिनोमिनेटर की 1 है तो इक्वल है, तो क्या करें डायरेक्टली आंसर इज 1, या फिर ऐसे बोल दो इसका लिमिट निकालने के पहले एक्स से डिवाइड किया तो 1 प्लस 2 बाय एक्स अपॉन 1 प्लस 3 बाय एक्स, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, एक्स इंफिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को ये 0 को, तो आंसर इज 1। तो बेस मेरा 1 को जा रहा है, अब पावर कहां जाएगा अगर एक्स इंफिनिटी को जाएगा तो इंफिनिटी को, तो दिस इज 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म। तो क्या करें स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मैं क्या पावर लिख रहा हूं पहले एफ एक्स माइनस 1 तो एफ एक्स इज एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3
माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स विच इज एक्स प्लस फोर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अब लिखते हैं एक्स प्लस टू माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर। अब मैंने बोला अगेन एक्स इंफिनिटी को जा रहा है तो डायरेक्टली आंसर क्या बोलूंगा मैं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले टर्म है उसका उसका कोफिशिएंट्स का रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, इधर एक्स का कोफिशिएंट वन है इधर एक्स का कोफिशिएंट वन है, तो आंसर इज वन इंटू माइनस वन, तो माइनस वन। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, अभी इसका आंसर है इस लिमिट का, बट मुझे इस, ये जो चीज है वो ई की पावर में लिखना है, तो फाइनल आंसर इज ई की पावर माइनस वन विच इज वन बाय ए। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो जो भी, और ये देखो ऑप्शन से भी तुम्हें हिंट लगेगा कि हमारा वन रेस टू इन्फिनिटी लग रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आंसर जो आएंगे वो तुम्हारा ए की पावर में आएगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ देखो, अब लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 2x plus 1 upon x plus 3 to the power x plus 7। चलो मैं एक साथ तीन क्वेश्चन लिख रहा हूं, तीनों को बताना तुम्हें। ठीक है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 3x plus 5 upon 7x plus 9 whole power x square, और थर्ड वन इज लिमिट x tends to infinity, लिमिट x tends to infinity 2x plus 3 upon x minus 5 raised to power 4 minus x। वीडियो पॉज करो, तीनों का आंसर लिखो, और बहुत तुरंत लिखना है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव से करना है ऐसे, मतलब लिखा नहीं कि तुम्हें आंसर बोलना है, तो पॉज द वीडियो, जस्ट 10 सेकेंड्स में तीनों का आंसर दो। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूं, तो सुनो, पहला वाला क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, द आंसर इज नो, द रीजन इज जो बेस है वो कहां जा रहा है, अगर x इंफिनिटी को जाएगा तो बेस कहां जा रहा है, 2 को जा रहा है ना, ये दिस इज 2 रेज टू इंफिनिटी, और 2 रेज टू इंफिनिटी तो कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता नहीं है, दिस इज इंफिनिटी ओनली। समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब आते हैं इस पे, फिर मैंने पूछा क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो आंसर मिलेगा अब नहीं, अगेन रीजन इज जो बेस है, ये वाला जो बेस है वो कहां जा रहा है, अगर x इंफिनिटी को जा रहा है तो 3 बाय 7 ना, व्हिच इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, लाइन बिटवीन 0 टू 1, उसकी पावर इंफिनिटी क्या होगा, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी क्या होगा, जीरो। याद है तुम्हें, एक मैंने ऐसे लिखवाया था, ए की पावर एक्स और अगर इज इक्वल टू, चलो ऐसे लिख लो, ए की पावर एक्स क्या होता है हमारा, एक तो इंफिनिटी होता है या जीरो होता है या वन होता है, डिपेंडिंग अपॉन ए, ए अगर ग्रेटर देन वन है तो मेरा इंफिनिटी को चला जाएगा, ए लेस देन वन है तो जीरो को चला जाएगा, और अगर ए इक्वल टू वन है तो दिस इज एग्जैक्ट वन, तो वही चीज है, दिस इज फ्रैक्शन रेस टू पावर इंफिनिटी विच इज ऑफकोर्स जीरो। अब आओ लास्ट वाले पे, ये और थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत से बच्चे इसको जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं, द आंसर इज इंफिनिटी, क्योंकि वो बोलते हैं बेस टू को जा रहा है, टू रेस टू इंफिनिटी, ध्यान से देखो इंफिनिटी नहीं है ये, माइनस इंफिनिटी है, तो टू रेस टू माइनस इंफिनिटी तो क्या हो गया, जीरो हो गया ना, या फिर इसको ऐसे करो, एक काम करो ऐसे लिख लो, नहीं तो इसको मैं देखो इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूं, अगर मेरे को पावर माइनस करनी है, कहने का मतलब आई कैन राइट दिस एज एक्स माइनस फाइव अपॉन टू एक्स प्लस थ्री रेस टू पावर एक्स माइनस फोर, देखो करेक्ट लिखा है क्या, आई कैन राइट दैट वे ऑल्सो। ठीक है, अब इजिली रीड कर सकते हो, दिस इज हाफ रेस टू इंफिनिटी विच इज जीरो, वैसे तो यही बोल सकते थे टू रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी, टू की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब वन अपॉन टू की पावर इंफिनिटी ना, तो वन अपॉन इंफिनिटी विच इज नथिंग बट जीरो। क्लियर है? तो आंसर इज इंफिनिटी, जीरो एंड जीरो, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके कॉपी करो, अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा अभी धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, we will increase level bit slowly so that tumhe wo formula bhi yaad ho jayega fx minus 1 wala. So limit x is tending towards infinity 1 plus 2 by x whole power x, bahut easy, matlab board ke liye, board level ka question, to directly bas formula lagana hai hame, to kya ho jayega, pehle to ye indeterminate form hai 1 raised to infinity, to fx minus 1, to 1 plus 2 by x, ye to fx ho gaya minus 1 into gx, तो ये 1 से 1 कैंसिल,
टू बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो ये आया टू, और फिर आंसर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस साइन ऑफ ए बाय एन होल पावर एन, हाँ निकालो इसको, चलो वीडियो पॉज करके निकालो इसको, प्रैक्टिस होगा तुम्हारा। पहले तो ये देखो एन एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, एक्स नहीं होगा इधर, एन होगा क्योंकि एक्स तो इधर कोई दिया ही नहीं है, ठीक है, एन अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये कौन सा फॉर्म है, तो देखो साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, अगर एन इन्फिनिटी को जाएगा जीरो जाएगा, और साइन जीरो किसको जाएगा, जीरो को, वन प्लस जीरो इज जीरो, वो सॉरी वन, तो वन रेस टू इन्फिनिटी, तो वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो क्या करें एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, तो पहले वन प्लस साइन ऑफ ए बाय एन एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, ये एन हो गया, तो वन से वन गया। चलो अब देखो एक्स अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो मेरा अभी कौन सा फॉर्म है, एट प्रेजेंट इन्फिनिटी इंटू जीरो का फॉर्म है, मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो क्या किया, या तो यहीं से डायरेक्टली बोल सकते हो, अदरवाइज क्या करो पहले जीरो की तरफ लेके जाओ, क्योंकि हमें साइन एक्स बाय एक्स की फील आ रही है और वो एक्स जीरो पे लगता है, तो क्या किया हमने एन को वन बाय टी कर दिया, एन इज इक्वल टू वन बाय टी, तो मेरा लिमिट टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए टी अपॉन टी, एन को वन बाय टी हो गया ना। अब क्या करूं साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग है, लेकिन अभी वो समथिंग सेम नहीं है, उसको बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, नाउ दिस इज वन, तो फाइनली आया दिस इज ए, और आंसर इज नॉट ए, जल्दी जल्दी में ए नहीं लिखना, देखो अगर वो ऑप्शन में दे भी सकता है तो बहुत से बच्चे लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी में ए लगा के आएंगे, बट द आंसर शुड बी ई रेज टू पावर ए, हमें ये हमारा आंसर थोड़ी था, ई की पावर में था ना ये लिमिट, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो वन प्लस, ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, अभी किया हमने इससे पहले, बस आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो एक्स अगर जीरो को जा रहा है तो वन प्लस जीरो वन, वन रेस टू कॉट जीरो इज इन्फिनिटी, तो वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो एफ एक्स माइनस वन, तो वन प्लस साइन एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, तो टू कॉट एक्स, कॉट एक्स को भी ऐसे लिख लिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये वन से माइनस वन कैंसिल, साइन एक्स साइन एक्स कैंसिल, इसी साइन एक्स के कारण भी इंडिटरमिनेंसी आ रही थी इस पर्टिकुलर पार्ट में अभी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स टेंड्स टू जीरो पे वो फैक्टर कैंसिल हो गया, तो टू इंटू कॉस जीरो विच इज वॉट टू इंटू वन टू हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा ई स्क्वायर। तो देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो वन रेज टू इन्फिनिटी में, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आएगा ही, वैसे भी अब तो मेंस जो है शिफ्ट्स में होने लगा है ना, मतलब चार दिन होता है और दोनों टाइम होता है, मतलब आठ पेपर होते हैं, मतलब आठ पेपर छह महीने, मतलब एक साल में बारह पेपर, तो डेफिनेटली लिख लो चार, तीन चार पेपर में तो आएगा, तीन चार सेट में इस वन रेज टू इन्फिनिटी, तीन सेट में मान लो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन लॉग ऑफ थ्री एक्स टू द बेस थ्री होल पावर लॉग थ्री टू द बेस एक्स, करो इसको, चलो इसको करो, थोड़ा लॉग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रॉपर्टीज रिकॉल हो जाएंगी तुम लोगों की लॉग की, ठीक है। तो अब मैं इसको बता रहा हूं, तो क्या करें पहले देख लेते फॉर्म कौन सा है, तो वन रखा इधर, तो लॉग थ्री टू द बेस थ्री वन, वन रेस टू, अच्छा कोई बोलेगा कि सर ये क्या है बेस में एक्स है तो इसको कैसे लिखें, तो इसको पहले बेस चेंजिंग थ्योरम से ऐसे लिख सकता हूं लॉग थ्री अपॉन लॉग एक्स, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा सर एक्स वन को जा रहा है तो बेस तो वन होता नहीं है, तो हमने कब बोला एक्स वन है, एक्स वन को जा रहा है बट वन तो नहीं है ना, वन अप्रोचिंग मतलब तो कितने, हमने बोला ना कि वन अप्रोचिंग मतलब इट इज नॉट वन इट इज अप्रोचिंग वन, तो अप्रोचिंग वन है तो बेस हो सकता है एक्स, तो बेसिकली लॉग थ्री अपॉन लॉग वन, तो लॉग वन क्या होता है जीरो, तो वन अपॉन जीरो, तो ये ओवरऑल किसको जा रहा है इन्फिनिटी को, तो वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म है, पहले तो ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लगाते हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, तो लगाते हैं, तो ये लिखा log ऑफ 3x टू द बेस 3 माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स लिखा log 3 अपॉन log x, बेस में कुछ भी मान लेते हो, लेट से e मान ली मैंने, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, तो देखो अब इसके बाद इस 1 को मैं इसके साथ क्लब करना चाहता हूं, मतलब आई वॉन्ट दिस टू राइट इन टर्म्स ऑफ log ओनली, और वो भी बेस 3 के साथ, सो दैट आई कैन क्लब दिस टू, तो डेफिनेटली आई विल राइट दिस 1 एज log 3 टू द बेस 3,
फिर log a माइनस log b से क्या हो जाएगा, log ऑफ a बाय बी, तो log ऑफ 3x बाय 3 टू द बेस 3 इंटू log 3 टू द बेस ई अपॉन log ऑफ x टू द बेस ई, log 3 टू द बेस, ये 3 से 3 कैंसिल, log x टू द बेस 3 लिखा है, तो फाइनली वी आर गेटिंग log x टू द बेस 3। अच्छा ये वैसे भी log ये भी लिखने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी, अगर ये नहीं भी लिखते चल जाता क्योंकि इधर ऑलरेडी log 3 टू द बेस x बन रहा है, तो आई एम नॉट राइटिंग इट, ये वाला स्टेप अगर लिखना है तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, log ऑफ 3 टू द बेस x, तो ये तो हमारा क्या हो गया 1 हो गया ना, ये log x अपॉन log 3 है, ये log 3 अपॉन log x है, सो दिस इज 1, तो आंसर इज नॉट 1 अगेन, याद रखना है आंसर इज e की पावर 1 व्हिच इज e, और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ऑप्शंस में ऐसे भी लिखा हो सकता है exp ऑफ 1, exp ऑफ 1 मतलब e की पावर में 1, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, कॉपी कर लो तुम लोग, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 होल पावर 1 बाय x। चलो करो इसको पहले तुम लोग, ठीक है ना, प्रैक्टिस होगा तुम लोगों का, पहले देख लो फॉर्म कौन सी है, तो अगर x 0 को जाएगा तो ये भी 1 को जाएगा, ये भी 1 को, ये भी 1 को, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 बाय 3 इज 1, तो 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म है, तो क्या करें fx माइनस 1 इंटू जी एक्स करते हैं, तो देखो क्या लिखना है, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x होल डिवाइड बाय 3 fx माइनस 1 इंटू g ऑफ x व्हिच इज 1 बाय x। अब एलसीएम लिया तो a की पावर x माइनस b प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x माइनस 3 होल डिवाइड बाय 3 और ये 1 बाय x। अब इस टाइप का तो हमने एक बार और किया भी है, क्या करें हम इसको 3 को एक एक दे देते तीनों को, सो दैट हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर x माइनस 1 अपॉन x ln a होता है, तो ये तीन को मैंने माइनस वन इन तीनों को दे दिया, तो ये हो गया ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन प्लस सी की पावर एक्स माइनस वन, और सेपरेट भी कर दिया, वन बाय थ्री तो चलो बाहर है ही मेरा, और सेपरेट भी कर दिया, द रीजन इज ये फाइनाइट होता है एल एन ए होता है इसलिए मैं सेपरेट कर सकता हूं, तो ये क्या हो गया 1 बाय 3 टाइम्स एल एन ए प्लस एल एन बी प्लस एल एन सी, तो 1 बाय 3 टाइम्स एल एन ए प्लस ln b plus ln c and we know ln of a plus ln of b plus ln of c is ln of abc, ये हो गया 1 by 3 ln of abc। अभी ये मेरा आंसर नहीं है, इसको मुझे कहां लिखना है, e की पावर में लिखना है, तो थोड़ा log की प्रॉपर्टी लगेगी, e की पावर में ये लिखूंगा 1 by 3 ln of abc। अब 1 by 3 को abc के ऊपर उचका दिया तो क्या हो जाएगा e की पावर ln of ए बी सी की पावर 1 बाय 3 और ये पार्ट तुम्हें पता 1 होता है, तो फाइनली यू आर गेटिंग क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो एक मॉडरेट क्वेश्चन है, मतलब इजी नहीं बोलूंगा एकदम बच्चों टाइप, क्योंकि इसलिए इजी नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत लॉग का भी यूज हो गया, फ्रॉम लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इजी ओनली, बट थोड़ा लॉग का भी यूज हो गया इसलिए मैं बोलूंगा मॉडरेट क्वेश्चन है, मतलब मेंस में आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये दिस इज फ्रॉम मेंस क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू a, तो इसको अच्छे से ट्राई करो, कॉन्फिडेंस आएगा, पता चलेगा तुम्हें जेई के क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं इतना पढ़ने के बाद, ठीक है ना, पाई x बाय 2a, लिमिट x टेंड्स टू a पे मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, तो पहले फॉर्म देख लो, तो x अगर a को जाएगा, तो कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आया मैंने पहले बोला हमेशा पहले रख के देखो इसमें, तो बहुत बार हो सकता है कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही ना हो और हम फालतू का मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, पहला थिंकिंग शुड बी, पहला स्टेप सॉरी, यू शुड पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर एंड सी विच फॉर्म इट इज। सो अब देखो इधर क्या आएगा, अगर एक्स ए को जाएगा तो ए बाय ए इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो बेस तो 1 आया, एक्स अगर ए को जाएगा तो दिस इज 10 पाई बाय 2 विच इज इंफिनिटी, तो 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म है, तो अब कंफर्म हो गया 1 रेज टू इंफिनिटी है, अब मैं वो लगाता हूं fx माइनस 1 इंटू gx, तो लगाया तो 2 माइनस ए बाय एक्स एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज 10 ऑफ पाई एक्स बाय 2 ए, ठीक है। अच्छा ये अभी इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 माइनस ए बाय एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए बाय एक्स इंटू 10 ऑफ पाई एक्स बाय 2 ए। अच्छा मैंने बोला 10 और साइन वगैरह जब हो तो हम ये देखेंगे कि उसका आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है, अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो हम उसी आर्ग्यूमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आई विल स्टैंडर्ड लिमिट लगा देंगे,
तो पहले देख लेते हैं स्केल का आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है। तो x इक्वल टू a रखने पे कहां जा रहा है, पाई बाय टू पे जा रहा है, पाई बाय टू पे जा रहा है। तो पाई बाय टू पे जा रहा है, मुझे कहां भेजना है, जीरो की तरफ। तो क्या करूं मैं, पाई बाय टू में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सो इस वाले को मैं क्या लिखूंगा, देखना ध्यान से, x माइनस ए तो लिखाइए अपॉन x, देख लेना एक बार करेक्ट लिखा है ना, हाँ ठीक है, वन माइनस ए बाय x, तो x माइनस ए बाय x, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, अगर अटकते हैं तो ओके, टेन ऑफ पाई एक्स बाय टू ए। तो देखो इसको मैं, चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको मैं पहले, साइन, क्योंकि बेटर दिस इज बेटर इन साइन कॉस ना, इंस्टेड ऑफ टेन इससे भी हो जाएगा। इसको लिख लिया कॉस ऑफ पाई बाय टू इंटू एक्स बाय, ठीक है। अच्छा अब अगर x a को जा रहा है तो जो मेरा साइन वाला टर्म का जा रहा है साइन ऑफ पाई बाय टू विच इज वन, और वो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसको तो मैं वन लिख देता हूं। नीचे बचा कॉस ऑफ पाई बाय टू एक्स, अब कॉस कहां जा रहा है मेरा, a पे, पाई बाय टू पे जा रहा है, तो उसको मैं पाई बाय टू माइनस थीटा करके लिख रहा हूं। तो इस कॉस को देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इंटू वन अपॉन, इसको लिख रहा हूं साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस पाई एक्स बाय टू ए। अब देखो एक बार सही लिखा है, वही चीज लिखी है क्या, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और अगर एक्स ए को जा रहा है तो इस साइन का आर्ग्यूमेंट मेरा कहां जा रहा है, जीरो को, तो परफेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक, ठीक है। अच्छा तो अब मैं क्या करूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके आर्ग्यूमेंट से, विच इज पाई बाय टू माइनस पाई एक्स बाय टू ए, इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया, पाई बाय टू माइनस पाई एक्स बाय टू ए, तो ये चीज मेरी वन हो गई। तो आगे ऊपर लिख रहा हूं मैं इधर, चलो तो मेरा आ रहा है इधर x माइनस ए अपॉन एक्स, और देखो इधर मेरा देखा पाई बाय टू कॉमन ले लेता हूं, तो अगर मैंने पाई बाय टू कॉमन लिया, पाई बाय टू ऊपर, टू ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा वन माइनस एक्स बाय, तो a माइनस एक्स और होल डिवाइडेड बाय, देखो क्लियर लिखा है क्या। अब x a को जा रहा है मेरा, तो इस फैक्टर के कारण इंडिपेंडेंसी आ रही थी, वो सब्ट्रैक्ट होगा विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि x माइनस ए लिखा है, a माइनस एक्स लिखा है। अब अगर x a को जा रहा है तो मेरा ये कहां जाएगा, देखो ये a को जा रहा है तो ये वाला a और ये कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट आउट विद माइनस टू अपॉन पाई। देखो हालांकि इजी है क्वेश्चन, प्रोसीजरल बोलूंगा इस क्वेश्चन को, दिमाग कहीं खर्च नहीं हुआ है, बस हाँ ये कि सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेशली हियर साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, e की पावर में ये चीज, तो आंसर इज e की पावर माइनस टू अपॉन पाई, डोंट राइट द आंसर एज माइनस टू बाय पाई, इट शुड बी इन द पावर ऑफ e, या फिर ऐसे लिख लो इसको exp ऑफ माइनस टू अपॉन पाई, बोथ वे यू कैन राइट द आंसर, गिव द आंसर, ठीक है। तो पॉज द वीडियो और कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वैसे ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अभी, हालांकि लेना नहीं चाहिए बिकॉज इसमें थोड़ा सा, चलो देखो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, ट्राई करो, साइन एक्स बाय एक्स रेज टू पावर वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये है, चलो पहले इसको कर लेते हैं, तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, मैं इसको बता रहा हूं। तो पहले फॉर्म कौन सा है ये, अगर x 0 को जा रहा है तो क्लियरली दिख रहा है दिस इज 1 एंड दिस इज इनफिनिटी, तो 1 रेज टू इनफिनिटी फॉर्म है, तो क्या करें, e की पावर में fx माइनस 1 इनटू gx, तो पहले e की पावर को साइड में फेंको, fx माइनस 1, तो sin x अपॉन x fx माइनस 1 इनटू gx 1 बाय x स्क्वायर। अब LCM ले लेते हैं तो क्या आएगा, sin x माइनस x अपॉन x क्यूब। अब क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब थोड़ा सा दिक्कत है। देखो इधर अगर 10x होता तो हमने किया था क्वेश्चन sin x माइनस 10x वाला, उसमें क्या करते हैं, sin x को कॉमन लेते हैं और फिर हमारा उधर 1 माइनस cos x जनरेट हो जाता है, और 1 माइनस cos x को एक x स्क्वायर दे देते हैं और sin x के साथ एक x क्लब कर देते हैं, तो सब एडजस्ट हो जाता है, बट हियर इट इज sin x माइनस x। अब क्या करें, अब हम यूज करेंगे इधर, वैसे आगे अभी टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में, बाइनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन, मतलब सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन, और वैसे भी तुम लोगों को साइन एक्स का एक्सपेंशन मैंने बताया है पहले, साइन एक्स क्यों क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाय
फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और क्या लिखा माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो अच्छा देखो एक्सपेंशन भी जो है ना वो हम कहां तक करेंगे, फर्स्ट नॉन कैंसिल तक, वैसे ये तो इन्फिनिटी तक एक्सपेंशन जाता है, बट अब देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है तो बस यहीं तक एक्सपेंड करेंगे x क्यूब वाले तक, क्यों, क्योंकि x अगर जीरो को जा रहा है तो ये सब यही डोमिनेटिंग है ना, ये सब तो जीरो हो जाएंगे सारी हायर पावर वाले। तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब और थ्री वेक्टोरियल है डिनोमिनेटर में, तो क्या आया माइनस वन बाय सिक्स, दिस इज माइनस वन बाय सिक्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस वन बाय सिक्स। देखो वैसे अभी हम इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को वी कैन डू विद टू डिफरेंट अप्रोचेस ऑल्सो, आगे जाके पढ़ेंगे। एक तो ये बताई थी एक्सपेंशन, और एक और होता है एल हॉस्पिटल रूल, वो तो सबसे इजी होता है, मतलब वो समझ लो ब्रह्मास्त्र है, मतलब अगर कुछ क्लिक ना करे तो एल हॉस्पिटल से तो ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं, ठीक है ना। जनरली बच्चे लोग बोलते टीचर कि सर उस टाइम पढ़ने के बाद कि सर आपने एल हॉस्पिटल अभी पढ़ा रहे हो, हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन इतना ईजी हो रहा है तो पहले क्यों नहीं पढ़ा दिया। तो पहले अगर पढ़ा देता ना तो तुम ये सब मेथड यूज ही नहीं करते, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं होती जो अभी मैं करवा रहा हूँ करेंटली, ठीक है ना। द रीजन इज दिस ओनली, क्योंकि एक बार एल हॉस्पिटल सीख गया तो ये सब लंबे लगेंगे मेथड, इनमें तो बट लगेगा टाइम टेकिंग, एल हॉस्पिटल लगाते हैं क्योंकि उसमें फटाक से आंसर आता है, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे, बट पहले हमारे सारे पार्ट्स कवर हो जाए उसके बाद लास्ट में सीखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स। तो पहले फॉर्म देख लो कौन सा है, वन रेज टू इंफिनिटी है या नहीं, तो एक्स जीरो रखा तो टेन पाई बाय फोर विच इज वन, रेज टू पावर इंफिनिटी है, तो क्या करें एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, एफ एक्स मेरा क्या है टेन एक्स टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स विच इज वन बाय एक्स। अब इधर वो वाला फॉर्मूला टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और या फिर और टेन पाई बाय फोर क्या हो जाएगा वन, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं देखना, टेन ए टेन पाई बाय फोर प्लस टेन बी टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई बाय फोर विच इज वन इंटू टेन एक्स, तो ये हो गया वन प्लस टेन एक्स। वैसे मैंने इसको स्टैंडर्ड भी याद रखने को बोला, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन बी डायरेक्टली इसको लिखो वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन, ठीक है। अच्छा फिर माइनस वन इंटू वन बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब एलसीएम लेते तो वन प्लस टेन एक्स माइनस वन माइनस ऑफ टेन एक्स, तो टू टेन एक्स आ गया, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू एक्स। अब वन माइनस टेन एक्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है और एक्स टेंड्स टू जीरो पे ये फाइनाइट है विच इज वन, तो इसकी जगह मैंने वन लिख दिया, और टेन एक्स बाय एक्स क्या हो गया विच इज अगेन वन, स्टैंडर्ड लिमिट्स, तो फाइनली यू आर गेटिंग टू, और फिर आंसर क्या हो जाएगा e की पावर में टू या फिर ई एक्स पी ऑफ टू। राइट हैबिट ऑफ राइटिंग इन दिस फॉर्म ऑल्सो, ठीक है ना, सो दैट कभी गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला तो हो गया है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। मैंने लिखा लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की पावर x। तो देखो पहले कौन सा फॉर्म है, x इंफिनिटी को जा रहा है तो बेस जो है मेरा उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर है, तो वही डोमिनेटिंग होगा, तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1, तो बेस 1 को जा रहा है और ये तो इंफिनिटी डायरेक्टली है तो 1 रेज़ टू इंफिनिटी है, तो क्या करें fx माइनस 1 इंटू gx, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 माइनस 1 इंटू g ऑफ x विच इज x, और ये मेरा हो गया लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। अब एलसीएम ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस ऑफ माइनस 2x तो 6x माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 इंटू x, ऊपर लिखा है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब तो सॉल्व भी हो गया ये क्वेश्चन, अब ऊपर की डिग्री क्या है 1 मत बोल देना, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6x स्क्वायर, तो ऊपर का डिग्री मतलब इफेक्टिव डिग्री 2, उसका कोफिशिएंट क्या है 6, तो आंसर इज 6 अपॉन इधर इफेक्टिव डिग्री क्या है x 2, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 6 बाय 1। ये तो हो गया मेरा इस लिमिट का आंसर, इस वाले लिमिट का आंसर, और फाइनल आंसर इसका क्या लिखूंगा मैं e रेज टू पावर 6, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं।
उसके बाद एक नया चीज सीखेंगे, नया चीज नहीं हालांकि जो हम सीख चुके हैं उसी को मैं थोड़ा एक अलग फॉर्म में लिखवाऊंगा। उससे पहले एक आध क्वेश्चन और रह गया है तो वो और कर लेते हैं हम। तो देखो मैंने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड सी इंफिनिटी, सॉरी एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी होल पावर एक्स इज इक्वल टू फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, निकालो तुम लोग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब मैं इसको बता रहा हूं तो सुनना, तो इंफिनिटी जा रहा है तो बेस मेरा वन को जा रहा है, पावर इंफिनिटी तो वन रेस टू इंफिनिटी फॉर्म है, तो क्या करें एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, तो एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस वन एफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स विच इज एक्स, तो एलसीएम लिया तो एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर बचा सी माइनस ऑफ माइनस सी टू सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। अब x अगर इंफिनिटी को जाएगा तो ये ओवरऑल कहां जाएगा, x का कोफिशिएंट ऊपर क्या है 2c, नीचे क्या है 1, सो दिस इज 2c, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन एक बार और देख लेता हूं मैं क्या लिखा है, इजिकल टू 4 लिखा है, ठीक है चलो मान लिया। हाँ तो अभी अब मेरा क्या आया 2c 4 के बराबर नहीं आया, 2c इज नॉट 4, मैंने लिखा e की पावर 2c इज द आंसर एंड दैट शुड बी 4, ठीक है क्लियर है। अब मैंने ln ले लिया तो 2c is equal to ln 4 और c is equal to 1 by 2 ln 4, ये मिस्टेक मत करना, अगेन आई एम सेइंग इस जो ये लिमिट निकाली थी हमने 2c दैट इज उसको 4 को इक्वेट नहीं करना है, 2c is not my answer, e की पावर 2c is my answer, तो दैट शुड बी इक्वल टू 4, ठीक है। बहुत से लोग इसका आंसर 2 लगाएंगे बट 2 इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है, क्लियर है। चलो अब एक नोट करा के लिख रहा हूं, नोट लिख रहा हूं, उसके बाद उसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा, ठीक है। नोट मतलब कहने का मतलब जो भी हम सीखे जो साइन टेन वाला जो सीखे थे उसी का थोड़ा शॉर्टकट है, तो ऐसे लिख लो, ऐसे एक टॉपिक भी लिख सकते हो, मैंने लिखा शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स फॉर इवेल्युएटिंग लिमिट्स फॉर, हालांकि कोई नई चीज नहीं है बट फिर भी एक ये दिमाग में रखोगे तो थोड़ा सा फास्ट होगा, थोड़ा सा फास्ट होगा, है क्या। देखो मैंने बोला जैसे मान लो कोई तो मेरा फंक्शन है, जैसे मैंने एफ एक्स इनटू कुछ एफ एक्स मतलब सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स है और इधर लिखो ऐसे लिखा है मान लो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर और अपॉन कुछ अगेन नीचे कुछ फंक्शन लिखा है और मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, ऐसा कुछ तो है सिनेरियो, सुनना ध्यान से पहले। अब हमारा फोकस सबसे पहले कहां जाएगा, डेफिनेटली इसके ऊपर, साइन के ऊपर, क्योंकि ये तो अननोन है। अब मैंने बोला कि इसके ऊपर जाएगा तो हम कैसे करते थे कि साइन का आर्गुमेंट देखते कहां जा रहा है, एक्स अगर टू को जा रहा है तो जीरो को जा रहा है, तो डेफिनेटली आई विल क्रिएट दिस आर्गुमेंट डिनोमिनेटर सो दैट आई कैन अप्लाई द स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो हम क्या करते थे एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, क्लियर है। फिर हम बोलते थे दिस इज वन, अभी तक तो ऐसा इतना करते आ रहे थे, ठीक है, बट अब से हम इतना नहीं करेंगे। अब मैं क्या बोलूंगा, क्या लिखा था हमारा, ऐसे लिखा था एफ एक्स अपॉन जी एक्स और ये लिखा था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर। मैंने क्या लिख रहा हूं मैं सुनना, अगर साइन का आर्ग्यूमेंट, सुनना ध्यान से पहले, अगर साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है देन दैट कैन बी रिप्लेस बाय दैट आर्ग्यूमेंट, मतलब हम इधर से साइन कैंसिल कर देंगे, देखो वही चीज तो आई है। तो हम वाला स्टेप बच गया हमारा कि हम आर्ग्यूमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे फिर स्टैंडर्ड लिमिट बोलते थे। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि अगर जैसे मैंने ऐसे लिखा, जैसे मैंने कहा साइन ऑफ ए इफ ए मींस एनी एक्सप्रेशन, ए अगर जीरो को जा रहा है तो साइन ऑफ ए कैन बी रिप्लेस विद कैपिटल ए, दैट्स इट। समझ में आया। सिमिलरली टेन ऑल्सो, टेन ए कैन बी रिप्लेस विद ए, द रीजन इज वही सेम रीजन, इसको इसमें क्या करूं मैं ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करूंगा फिर वो टेन ए बाय ए क्लब वन हो जाएगा और ए बचेगा। सिमिलरली इनके इनवर्स के लिए साइन इनवर्स ए कैन बी रिप्लेस विद ए एंड ऑल्सो टेन इनवर्स ए, तो ये चारों को वी कैन रिप्लेस विद देयर आर्ग्यूमेंट सिंपली, अगर कब प्रोवाइडेड आर्ग्यूमेंट जीरो को जाना चाहिए। और एक और चीज, हाँ ये जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी इन प्रोडक्ट फॉर्म, ये देखो अभी साइन वाला जो था वो प्रोडक्ट में था ना इसीलिए, तो इधर एज ए नोट करके लिख लो, राइट एज ए नोट क्या लिखोगे, इफ A standing towards zero, capital A, then sin A, comma tan A, comma sin inverse A, comma tan inverse A can be replaced with their argument provided
दीज टर्म शुड बी इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन. देखो लिख लेते हैं, चलो मैं लिख देता हूं. मैंने बोला इफ ए ए सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, ऑफ कोर्स इफ ए इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो देन साइन ए कॉमा टेन ए, फ्लो में कॉस मत लिख देना ठीक है ना, भावनाओं मत भेजाना, साइन इनवर्स ए कॉमा टेन इनवर्स ए, ये चारों दिस कैन बी रिप्लेस, कैन बी रिप्लेस रिप्लेस विथ देयर आर्ग्यूमेंट, विथ देयर आर्ग्यूमेंट, विथ देयर आर्ग्यूमेंट दैट इज कैपिटल ए प्रोवाइडेड. हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दीज टर्म जो भी हम रिप्लेस कर रहे हैं ना दे हैव टू बी इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन. लिख लो इधर, प्रोवाइडेड दे शुड बी इन, दे शुड बी इन प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन. आई होप समझ में आ गया होगा. अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो तुमको सोचना अभी स्टेटमेंट से हमारा कैलकुलेशन काफी फास्ट होगी, काफी फास्ट होगी ट्रस्ट में. अभी हम देखेंगे, पहले मैं और भी लिखवा लेता हूं जो भी हमने स्टैंडर्ड पढ़े थे. तो पहले इसको लिख लो कॉपी का, वीडियो पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं. ये तो क्या साइन की बात, टेन की बात, टेन इनवर्स और साइन इनवर्स की. अब देखो नेक्स्ट, अब लिख रहा हूं मैं कॉस ए की तरफ. मैंने लिखा उसको समझाने के लिए, पहले मैंने लिखा यही सेम कैटेगरी एफ एक्स अपॉन जी एक्स और लिखा है कॉस ऑफ ए, अच्छा ऐसे लिख लो 1 माइनस कॉस ऑफ ए ऐसे लिखा है. और लेट से ए जो है वो मेरा जीरो की तरफ जा रहा है, तो हमारा क्या करते थे हम पहले क्या करते थे ऊपर नीचे क्या करते थे, अगर एक्स कॉस का आर्गुमेंट जीरो को जा रहा है तो हम उसके स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे ए स्क्वायर ए स्क्वायर, और फिर ये मेरा क्या हो जाता हाफ. अब क्या बोल रहे हूं कि 1 माइनस कॉस ए जो है ना उसको डायरेक्टली मैं रिप्लेस करूंगा ए स्क्वायर बाय 2 से. देखो क्या किया हमने, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है ना, और ऊपर क्या लिखा था कॉस 1 माइनस कॉस ए, उसको मैं डायरेक्टली रिप्लेस करूंगा ए स्क्वायर बाय 2 से. क्लियर है, समझ में आया? तो इसको भी नोट के फॉर्म में लिख लो 1 माइनस कॉस ए प्रोवाइडेड वही ए जीरो को जा रहा है, ए स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो देन दिस कैन बी रिप्लेस विद व्हाट ए स्क्वायर बाय 2 प्रोवाइडेड अगेन दिस होल शुड बी इन प्रोडक्ट फॉर्म. ये देखो एफ एक्स अपॉन जी एक्स इसके सॉरी इसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है ना 1 माइनस कॉस ए, इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर पा रहा हूं ए स्क्वायर बाय 2 से. क्लियर है, समझ में आया? जैसे अगर मान लो ऐसा लिखा है, देखो सम में नहीं करेंगे, जैसे मैंने लिखा साइन ए, चलो साइन ए मत लिखो इधर लिख लो, चलो साइन ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 ऐसा कुछ तो लिखा, ए प्लस 1 माइनस कॉस ए और अपॉन नीचे कुछ तो लिखा है, लेट से ए चलो ऐसा लिखा है मान लिया ए स्क्वायर प्लस 5 कुछ तो ऐसा लिखा है मान लिया एक मिनट के लिए, समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं एट अभी इस वक्त मैं 1 माइनस कॉस ए को ए स्क्वायर बाय 2 से रिप्लेस नहीं कर सकता. दिस लिख लेना भले इधर, दिस कैन नॉट बी रिप्लेस विद ए स्क्वायर बाय 2. द रीजन इज दिस इज नॉट इन प्रोडक्ट फॉर्म ना, दैट इज इन सम फॉर्म. अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में वो इधर है इधर रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए वही वाला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रोवाइडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना. चलो तो ये हो गया हमारा साइन ए का हो गया, टेन ए का हो गया, साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कॉस ए. अभी हमारे 2-3 और बचे शॉर्टकट्स, तो वीडियो पॉज करो इसको लिख लो, इनका एप्लीकेशन देखेंगे ना तब मजा आएगा तुम लोगों को, देन यू विल सी हाँ सर ने सही बोला बहुत ज्यादा इजी हो रहा है. और इन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम हो सकता है तुम में से कुछ लोग इसको यूज भी कर रहे हो, अभी तक फील आ गई होगी कि हाँ ऐसे बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमेशा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यों ना हम डायरेक्टली लिख लें ठीक है ना, बट फिर भी मैंने बता दिया इसको. चलो नेक्स्ट इज 1 माइनस ई की पावर ए कॉमा एल एन ऑफ 1 प्लस ए एंड अगेन सेम थिंग ए अगर जीरो को जा रहा है सो दीज टू कैन बी रिप्लेस विद अगेन ए. इसको इसके साथ भी ऐड कर सकते हो वैसे ठीक है ना, क्योंकि सेम कैटेगरी में फॉल हो रहा है ना ठीक है, इसको इसके साथ भी ऐड कर सकते हो बट अलग से लिख लिया कोई नहीं, क्यों द रीजन इज वही सेम. अगर मान लो कहीं लिखा है 1 माइनस ई की पावर ए तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मेरा 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कुल मिला के ए तो आया मेरा. सिमिलर लियर ऑल्सो एल एन ऑफ 1 प्लस ए दिया होगा, हम क्या करेंगे ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगा 1 प्रोवाइडेड अगेन दिस इज प्रोवाइडेड ए टेंड्स टू 0 तब हम क्या करेंगे ए से रिप्लेस कर देंगे. क्लियर है, अच्छा अब एक और बचता है शॉर्टकट, तो हो गया फोर्थ वन हमारा.
तो अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, इसको तुम कॉपी कर लेना इसको, ठीक है ना। द नेक्स्ट शॉर्टकट इज, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो यही बहुत जगह यूज होगा, स्पेशली ये वाला, इससे ln 1 plus a से ज्यादा ये वाला यूज होगा। देखना मैं कौन सा लिख रहा हूं, मैंने लिखा इफ, वही चीज है थोड़ा सा घुमाया हुआ है, मैंने कहा इफ a स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1, पहले 0 की तरफ जा रहा था, अब 1 की तरफ जा रहा है, ln a कैन बी रिप्लेस्ड, कुछ सोचो किससे होगा, कैन बी रिप्लेस विथ, किससे लिखूं मैं, तो करके देखते हैं। मैंने बोला ln a लिखा है, a 1 को जा रहा है, तो हमारे साथ ln वाला जो फॉर्मूला है उसमें क्या होना चाहिए, 1 plus something, तो 1 plus something बनाने के लिए क्या किया, 1 plus a minus 1, अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे a minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। द रीजन इज, अगर a 1 को जा रहा है तो a minus 1 0 को जाएगा, एंड दिस इज 1, सो यू कैन सी जो ln है, वो ln है, वो किससे रिप्लेस हो गया, a minus 1 से। तो लिख लो इसको, ln a कैन बी रिप्लेस विद सिंपली a minus 1, provided, again this is a common statement, provided this ln a should be in product form, plus a here is tending towards 1, clear हुआ, समझ में आया, चारों पांचों point। अब हम इसका example में application देख लेते हैं, तो और feel आ जाएगी थोड़ी हमें, ठीक है, और कुछ questions मैं तुम लोगों को homework के लिए भी दे दूंगा। तो next इसमें हमारा question लिखते हैं हम एक, देखो पहले मैं इसका इजी बता देता हूं, इजी क्यों है, जैसे मान लो अभी तक तुम देखो, अब देखना इसका रीजन कितना इजी हो जाएगा अगर ये मैंने शॉर्टकट्स लगाए तो, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन टेन इनवर्स 5x इंटू साइन स्क्वायर 2x, मान लो ये है, ठीक है। तो अब देखो शॉर्टकट से देखो मैं कितना फास्ट करने वाला हूं, देखना ध्यान से, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ऑफकोर्स 0 बाय 0 का फॉर्म है, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए, अगर ए 0 को जा रहा है तो दिस कैन बी रिप्लेस विद ए स्क्वायर बाय 2, तो इसको हटा के मैं इधर लिख रहा हूं इस ए का स्क्वायर, विच इज 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, देखते जाना मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, ई की पावर 2x माइनस 1, ई की पावर ए माइनस 1, अगर ए 0 को जा रहा है कैन बी रिप्लेस विद ए, तो इसको हटा के मैं 2x लिख रहा हूं, टेन इनवर्स 5x, अगर टेन इनवर्स ए, a अगर 0 को जा रहा है तो दिस कैन बी रिप्लेस विद सिंपली a विच इज 5x, साइन स्क्वायर 2x को मैंने ऐसे लिख लिया, साइन 2x इंटू साइन 2x, फिर साइन ऑफ a, अगर a 0 को जा रहा है तो कैन बी रिप्लेस विद आर्ग्यूमेंट, दिस साइन कैन ऑल्सो बी रिप्लेस विद देयर आर्ग्यूमेंट, यू कैन सी x x x x स्क्वायर और x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हमारा 9 इंटू 2 और नीचे बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 से 2 कैंसिल, 9 बाय 8, तो सोचो कितना फास्ट हो गया हमारा, फील आ गई होगी मैंने ऐसा क्यों बताया शॉर्टकट्स, ठीक है ना। करते तुम वही, इसको 2x से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते, वो स्टेप हमें एस्केप करना है फॉर फास्ट कैलकुलेशन, क्लियर है बच्चों। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये एक काम करता हूं मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है ना, अब तुम लोग अप्लाई करना ये शॉर्टकट्स, ठीक है। नहीं तो एक क्वेश्चन और एक काम करता हूं ले लेता हूं, उसके बाद देख लेता हूं होमवर्क क्वेश्चन। तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू कॉस 2 पाई एक्स होल डिवाइडेड बाय टेन ऑफ, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो तुम लोग अगर करना चाहो ट्राई तो यू कैन ट्राई, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, मैं इसको कर रहा हूं। तो अगेन x अगर 2 को जा रहा है तो सबसे पहले फोकस मेरा साइन एक्स पे आया, क्या ये इसका आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, नहीं, ये तो वैसे भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है ये तो, और फाइनाइट भी है, तो ये तो साइन 2 हो गया डायरेक्टली, दिस इज सिंपली साइन 2, कॉन्स्टेंट है वो तो मैं बाहर ले लेता हूं, 1 अपॉन साइन 2। अब आते हैं इस पे, तो ये इनमें तो मेहनत करनी पड़ेगी दोनों फैक्टर में, ये वाले फैक्टर में मेहनत नहीं करनी, क्यों, अगर x 2 को जा रहा है तो tan इनवर्स a, वेयर a 0, तो कैन बी रिप्लेस विद देयर आर्ग्यूमेंट, तो इधर से tan इनवर्स गायब हो गया। अब आते हैं इस पे, अब थोड़ी अच्छा ये भी तो कोई दिक्कत, ये भी कोई फैक्टर दिक्कत ही नहीं दे रहा ये वाला, क्योंकि अगर x 2 को जा रहा है तो दिस इज कॉस 4 पाई विच इज कॉस 0 विच इज 1, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, 1 है। अब इस पे आ जाते हैं, अगर x 2 को जा रहा है तो अब इसको मतलब ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। द रीजन इज, क्या बताया था मैं, tan ऑफ a कैन बी रिप्लेस विद a इफ a इज टेंडिंग टुवर्ड 0, बट अभी ये 0 की तरफ तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 0 की तरफ लेके जाते हैं, पहले हम ये देख रहे थे अभी जा कहां रहा है, तो x अगर 2 को जा रहा है तो इसका आर्ग्यूमेंट 8 पाई को जा रहा है, तो क्या करें, 8 पाई में से ये सबट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर इसको 8 पाई में से कर देते हैं, या फिर 8 पाई में से ये कर देते हैं,
सॉरी दोनों एक चीज बोल दी मैंने, ये या तो ये इसको 8 पाई में से कर देते हैं या 8 पाई को इसमें से कर देते हैं, दोनों फिर से सेम बोल दी। चलो समझ गया होगा तुम, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, तो मैंने देखा टेन ऑफ 8 पाई माइनस 4 पाई एक्स। अब मैं देख लूंगा ट्रिग्नोमेट्रिकली एम आई करेक्ट और नॉट, तो टेन ऑफ 8 पाई माइनस, तो किस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो गलत लिखा है, से मेरा मतलब क्या है माइनस आना चाहिए, तो इसको मैं उल्टा करके लिख लेता हूं, 4 पाई एक्स माइनस 8 पाई लिख लेता हूं, 4 पाई एक्स माइनस 8 पाई, 8 क्या लिखा था मेरा 10, एक मिनट, हाँ अब करेक्ट है, अब सही लिखा है मैं ट्रिग्नोमेट्रिकली, क्योंकि टेन ऑफ 4 थीटा माइनस 2n पाई मेरा 10 थीटा होता है। अब मैंने बोला कि अब जो 10 का आर्गुमेंट है दैट इज टेंडिंग टुवर्ड 0, अब मैं 10 को रिमूव कर सकता हूं, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा हमारा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, और डिनोमिनेटर बचा 4 पाई कॉमन ले लिया, तो क्या था x माइनस 2, इसी फैक्टर के कारण डिटरमिनेंसी आ रही थी, ये खत्म। अब x टेंड्स टू 2 है तो 2 प्लस 2 4, वो 4 से ये 4 कैंसिल, या लेफ्ट आउट विद 1 अपॉन पाई, एक क्लीन आंसर आ गया। तो सोच रहे हो शॉर्टकट से हमारा कितना आसान काम हो गया, ठीक है। चलो अब मैं फाइनली देता हूं तुम लोगों को होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है, चलो और तुम लोग भी प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ। चलो पहला क्वेश्चन, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 कॉस ऑफ एक्स अपॉन टेन ऑफ 6x, सिंपल क्वेश्चन है बट प्रैक्टिस हो जाएगी। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 ए की पावर एक्स माइनस ए स्क्वायर, मुझे केवल 4 या 5 बच्चे ही अपडेट करते हैं होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है चलो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ, फिर साइन का आर्गुमेंट दिया टेन इनवर्स ऑफ, और टेन इनवर्स का आर्गुमेंट इज एल एन ऑफ, और एल एन का आर्गुमेंट दे रखा है फिफ्थ रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय एक्स, देख लेना एक बार, ठीक है ना, एक बार पहले देख लेते फॉर्म कौन सा है, एक्स इन्फिनिटी हो जा रहा है तो कॉस 0 1, एल एन 1 0, टेन इनवर्स 0 0, साइन 0 इज 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। चलो अब फोर्थ वन, लिखा लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 1 प्लस साइन ऑफ 4x प्लस कॉस एक्स होल पावर 10 ऑफ एक्स, एंड लास्टली द क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ 1 बाय n प्लस कॉस ऑफ 2 बाय n प्लस कॉस ऑफ 3 बाय n होल डिवाइडेड बाय 3 इसकी पावर एन स्क्वायर, ठीक है। एक बार देख लो कौन सा फॉर्म है, अगर एन इन्फिनिटी को जा रहा है तो कॉस 0 1 1 1 तो 3 बाय 3 1 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है, फिर दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।